सबसे पहले क्या कहेंगे, सपना पूरा होने जा रहा है? भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद दूंगी, और 500 साल का संघर्ष जिन पुरखों ने किया उनका पुण्य स्मरण करूंगी। कार सेवकों के बलिदान ने, कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने, संतों के आशीर्वाद ने, और सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता की निरंतरता ने, और फिर इस देश के अंदर राजनीतिक अनुकूल वातावरण बनने की वजह से हम आज अपने सपने को साकार होता देख रहे हैं। मैं सब ज्ञात अज्ञात सबको उनको वंदन करती हूँ। वो राघव के रणंजे थे, वो माधव के धनंजे थे, वो विरक्त संत थे, वो प्राणों की आहुति देने के लिए निकले थे, उन सब की कारण आज 22 जनवरी का दिन हम सबको देखने को प्राप्त होगा। दीदी, क्या कभी आपने सोचा था कि राम मंदिर सीधे जीवन पाया, क्योंकि तमाम लोगों के प्राण चले गए, संघर्ष कर दे रहे, क्या आपने सोचा था? क्या कहा? क्या आपने सोचा था कि अपने जीते जी राम मंदिर बनते हुए देख पाएंगे? हम ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निराश तो हम नहीं थे, और क्योंकि भैया हम लोग तो पुनर्जन्म मानने वाले हैं। यात्रा जो है एक जन्म में पूरी नहीं होती तो दूसरे जन्म में होती है, लेकिन इस संघर्ष की जो प्रखरता थी, वो दैदीप्यमान जो ज्वाला थी, उसने जलाकर पूरे भारत में कुविचारों के कचरे को जलाकर भस्म कर दिया, और वो ज्वाला ऐसी तेजस्वी बना गई भारतीयों को कि हम भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं, हम मात्र भजन करने वाले भजनीय नहीं है। तो मैं उनका स्मरण करूंगी कि लो नमस्कार भूगोलों के, अभिनंदन लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदबंधन लो आकाशों के, तुमने ही पूरी अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई है, और समर बांकुरे राघव के तुमको 100 बार बधाई है। राम मंदिर बन गया है, रामलला टेंट सब भव्य मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं निमंत्रण पर ही सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं निमंत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए, सोनिया गांधी कुछ अलग कह रहे हैं, निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे। अब जिनके भाग्य में होगा वो इस ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनेगा, क्योंकि भगवान हमें चुन ले ये तो बहुत बड़ी बात है, हम भगवान को चुने ये बड़ी साधारण बात है। देखिए, आज एक पोस्टर लगा है जिसमें आरएलडी लालू यादव के घर से बाहर उन्होंने कहा है कि जो मंदिर है वो गुलामी का प्रतीक है, पाठशाला जो है वो उजाले की ओर ले जाती है, इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे मंदिर सदैव विद्या के केंद्र रहे हैं। दूसरी बात है, भगवान की सत्ता को स्वीकार करने वाला ही अहंकारी मद से मुक्त होता है। जो ईश्वर को स्वीकार कर लेता है वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, नहीं तो मनुष्य तो भेड़ियों में पलता है तो भेड़िया ही हो जाता है। धर्म ही, संस्कृति ही, परंपरा ही, संस्कार ही हमें मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य बनना ही विद्या का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो पहले झुकना सीखेंगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा, बिना झुके तो घड़े में भी जल नहीं भरता। इसीलिए जो भारतीय संस्कार है वो मंदिर देवालय, जहाँ वहाँ निरक्षर लोग नहीं रहते, वेदों को जिन्होंने अपनी प्रज्ञा में धारण किया है, जो जिंदा रहने की शिक्षा नहीं सीखते अपितु जीने की विद्या सीखते हैं, हमारे मंदिर वो स्थल है। राजनीतिक किसी विवशता के कारण ये वक्तव्य हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, नहीं तो यही सच है भारत का। राज ने कहा है, ट्वीट किया है, उसी हो रही है, राम मंदिर को निशाना साधा है। देखिए, मनु जी के नाम पे इस देश में बहुत राजनीति हुई है, अब सारा भारत जान गया है। ये अनर्गल प्रलाप करके लगातार भारतीयों को आजादी के बाद और पहले से ही अपने पुरखों की परंपरा से काटने का षड्यंत्र चला, लेकिन अब भारतीयों ने निश्चित कर लिया है कि हम किसी भी वृक्ष की अमर मेल नहीं है, हम तो स्वयं एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है जिसमें सौमनस्यता है, सौहार्द है, प्रेम है, स्नेह है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक ही ब्रह्म सत्ता का दर्शन करने वाली विधा है। और आप जानते हो कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए अपनी अपनी तरह लोग सोचेंगे देखेंगे, पर मेरी माँ भारती जाग चुकी है और उसकी संतान ने भी
अपने प्रति और अपने भविष्य के प्रति, आने वाले युगों के प्रति सजगता की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी हैं। यदि कभी अयोध्या काशी मथुरा की बात हुआ करती थी, विकास चरण में हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। निश्चित रूप से हम अपने अपने वो दिन का दर्शन करेंगे जब हमारे कृष्ण की जन्मभूमि भी जो है वो मुक्त होगी और हम सब आनंद मनाएंगे। और काशी में भी नंदी बाबा जिधर मुंह किए बैठे हैं, भोले बाबा उधर ही हैं। और ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात ये है भैया, सूर्य जब उगता है ना, या तो कोई आंखें बंद कर ले, या तो फिर कोई उल्लू की जाति का हो, उसे सूरज नहीं दिखता। नहीं तो सत्य का प्रकाश स्वयं अपने आप को प्रमाणित करता है। सत्य यही है जो सम्मुख है, और उसके पक्षधर बनोगे तो धन्य हो जाओगे, और उसका विरोध करोगे तो बिखर जाओगे।